पीएचपी के इस क्लास में आज हम लोग देखेंगे कॉम्प्रेशन ऑपरेटर। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू जो होता है उसका यूज हम लोग क्यों करते हैं। देखिए डबल इक्वल टू जो होता है ये इक्वलिटी चेक करता है, ठीक है, कि वैल्यू जो है वो आपका इक्वल है कि नहीं है। और ट्रिपल इक्वल टू जो है दोस्तों ये देखता है कि वैल्यू आपस में इक्वल है कि नहीं, और साथ ही साथ उसका वेरिएबल का जो डाटा टाइप होता है वो भी इक्वल है या नहीं, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाऊंगा, और इस एग्जांपल में मैं आपको इफ एल्स जो है वो उसको भी समझाऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं, हम लोग जैसे कि इस वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ नम वन, और इसका वैल्यू मैं यहाँ डाल देता हूँ 5। और उसके बाद में फिर और एक वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं नम टू, और इसका वैल्यू जो है वो हम लोग ले लेते हैं 5। अब ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है, ठीक है। अब इसका दोनों का मैं आपका डाटा टाइप भी दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो डाटा टाइप चेक करने के लिए हम लोग को लिखना पड़ता है वेर डम। इसका यूज करके हम कोई भी वेरिएबल का डाटा टाइप देख सकते हैं। तो नम वन का भी डाटा टाइप हम देखेंगे और नम टू का भी डाटा टाइप जो है वो हम देखेंगे। यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करने के लिए इसका यूज लिख रहा हूं मैं यहाँ पे एचआर और इको वैडम। इससे हम लोग को नम टू का भी डाटा टाइप पता चल जाएगा, है ना। अब चलिए इसको एक बार हम लोग यहाँ पे ये हमारा फाइल है कॉम्प्रेशन डॉट टेक्स्ट। देखिए ये दोनों का यहाँ पे डाटा टाइप और वैल्यू दिखा रहा है, 5 5 इसका वैल्यू है और ये आपका एंटी है, ये भी आपका एंटी है। दोस्तों ये 5 जो है आपका ये इसका वैल्यू और ये इसका डाटा टाइप एंटी है, ठीक है। अब इसका इक्वलिटी हम लोग चेक करेंगे इफ और एल्स के मदद से। इफ नम वन इक्वल टू नम टू। इफ एल्स में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि इफ के अंदर में एक स्टेटमेंट लिखेंगे और एल्स के अंदर में भी एक स्टेटमेंट लिखेंगे जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में। देखिए अगर ये वाला चीज जो कंडीशन है हमारा ट्रू होगा तो ये इफ के अंदर वाला जो पार्ट होगा उसको रन करेगा। दैट मींस इसके अंदर में जो हम इको करवाने जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं वैल्यू आर इक्वल, तो वो इसको प्रिंट करेगा। और मान लीजिए कि अगर ये वाला जो हम लोग कंडीशन चेक कर ये ट्रू नहीं होके फॉल्स हो जाता है तो वो एल्स का पार्ट को रन करेगा, इको वैल्यूज आर नॉट इक्वल। अभी यहाँ पे देखिए ये दोनों का वैल्यू आपस में इक्वल है तो कौन क्या चीज प्रिंट होगा, वैल्यूज आर इक्वल। यहाँ पे इसको रन करते हैं तो देखिए क्या दिखा रहा है, वैल्यूज आर इक्वल। अब चलिए इसका वैल्यू जो है, मैं पहले वैल्यू चेंज करने से पहले इसका डाटा टाइप चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग कुछ लिख देते हैं, नंबर को भी अगर इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे तो इसका डाटा टाइप चेंज हो गया, ये अभी स्ट्रिंग हो गया। जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है स्ट्रिंग, बट यहाँ पे देखिए वैल्यूज आर इक्वल दिखा रहा है, ठीक है। तो डबल इक्वल टू से क्या होता है, सिर्फ उसका वैल्यू को चेक कर रहा है क्योंकि इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। डाटा टाइप चेंज होने से भी ये उसको चेक नहीं करेगा, डबल इक्वल टू डाटा टाइप चेक नहीं करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम 4 लिख देते हैं तो अब वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, तब जाके वो एल्स का पार्ट का रन करेगा, वैल्यूज आर नॉट इक्वल, ठीक है। अब इसी में ही देखिए, अब ये दोनों जो है वैल्यू आपका सेम है मगर इसका जो डाटा टाइप डिफरेंस है, तो इसको भी अगर चेक करवाना है तो आपको
तीन बार इक्वल टू साइन देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये डाटा टाइप चेंज चेक करेगा, इसीलिए यहाँ दिखा रहा वैल्यूज आर नॉट इक्वल, ठीक है, वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं है। तो ये वैल्यूज की जगह में यहाँ मैं लिख देता हूँ कि वैल्यूज आर इक्वल बट डाटा टाइप आर नॉट इक्वल है, ठीक है। इसको लिखते नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ आपको कि ये जो है ये डाटा टाइप भी चेक करता है, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोगों ने देख लिया डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू का यूज, उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग नॉट इक्वल टू का यूज भी कर सकते हैं। तो नॉट इक्वल टू का यूज करने के लिए हम लोग को इस साइन का यूज करना पड़ता है, ये हो गया नॉट इक्वल टू। अब इसमें भी दोस्तों उसी तरह से है, अगर आप सिर्फ वैल्यू चेक करना चाहते हैं कि वो आपस में नॉट इक्वल टू वाला कंडीशन यूज करना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार से देना पड़ेगा। और अगर डाटा टाइप भी अगर आप दिखना चाहते हैं कि अगर डाटा टाइप इक्वल नहीं है और वैल्यू भी इक्वल नहीं है, ये दोनों को चेक करवाना रहेगा, तो आपको इस तरह से दो इक्वल टू देना पड़ेगा। चलिए इसको भी हम लोग करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं यहाँ पे नॉट इक्वल। तो देखिए अब यहाँ पे कंडीशन क्या दिया गया है, इसके अंदर में बोला जा रहा है कि नम वन अगर नम टू से इक्वल नहीं हो तो इस वैल्यू को रन करो, और नहीं तो फिर इस वैल्यू को रन करो, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो यहाँ पे ये रन करेगा, तो यहाँ मैं दे देता हूँ नॉट इक्वल और यहाँ पे दे देता हूँ इक्वल। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, दोनों का वैल्यू इक्वल है तो जाहिर सा बात है वो इसका जो अंदर स्टेटमेंट उसको रन नहीं करेगा, एल्स वाला पार्ट को रन करेगा। अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए वैल्यूज आर इक्वल और वैल्यूज आर इक्वल कहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका एल्स में लिखा हुआ, मतलब ये सही काम कर रहा है। बट अगर यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा दे देते हैं हम लोग, तो देखिए अब वैल्यूज तो इक्वल है पर डाटा टाइप नॉट इक्वल नहीं है, और आपको कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें डाटा टाइप भी इक्वल होना चाहिए, इस तरह का कंडीशन रहेगा। और आप अगर सिंगल इक्वल टू यूज कर दिए, मान लीजिए नॉट इक्वल टू साइन अगर यूज कर दिए है तो क्या होगा, तो देखिए ये तब भी कौन सा प्रिंट कर रहा है, वैल्यूज आर नॉट इक्वल, जो कि आपका एल्स का पार्ट है, ठीक है। तो ये डाटा टाइप चेक नहीं कर रहा, तो डाटा टाइप चेक करने के लिए आपको डबल इक्वल टू देना पड़ेगा एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ। उसी प्रकार से दोस्तों आप दो नंबर आपस में कौन सा नंबर बड़ा है वो चेक करना है, जैसे कि यहाँ पे आप चेक करना चाहते हैं कि नम वन का जो वैल्यू है वो नम टू से बड़ा है कि छोटा है। देखिए अभी 10 दे देते हैं तो 10 इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे लिखना है, लिख दूंगा मैं नम वन इज ग्रेटर देन नम टू, और यहां पे लिख दूंगा नम वन इज नॉट ग्रेटर देन नम टू। अभी फिलहाल ये कौन सा दिखाएगा, अभी नम वन ग्रेटर है तो ये वाला पार्ट को रन करेगा, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, और इसका कंडीशन अगर ट्रू होता तो इसके अंदर वाला स्टेटमेंट रन होता है। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करिए, देखिए नम वन इज ग्रेटर देन नम टू, और यहाँ पे अब मान लीजिए कि नम टू को बड़ा कर देते हैं क्योंकि 15 इज ग्रेटर देन 10, तो अब वो एल्स वाला पार्ट को रन करेगा, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों और भी बहुत सारा साइन है, देखिए जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा ग्रेटर देन, उसके बाद हम लोग लेस देन साइन यूज कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू यूज कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग लेस देन इक्वल टू यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारा था कॉम्प्रेशन ऑपरेटर।
जो हम लोगों ने आज की क्लास में देखा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।